नाउ क्वेश्चन इज इफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो देन वी हैव टू शो डैट देन शो डैट डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपली दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर, दो मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो पहले हम डेरिवेटिव निकाल लें इस टर्म की जो गिवन इक्वेशन है आपको, या तो फिर कुछ एडजस्टमेंट कर ले। तो पहले हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, कन्फ्यूज़न होगा नहीं, आगे हम खुद समझ सकते हैं कि हमें क्या स्टेप्स लेनी है। तो दिस इज़ इक्वेशन नंबर वन। नाउ डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑब्वियसली एक्स से डिफरेंशिएट करना है। तो अगर हम इस टर्म को डिफरेंशिएट किए तो ए कांस्टेंट है यहाँ पर, और एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव हो जाएगी 2x प्लस 2h इज़ कांस्टेंट टर्म, और एक्स वाई की डेरिवेटिव अगेन प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे हम यहाँ, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फर्स्ट फंक्शन की कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, कि एक्स एज इट इज़ डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई और डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज़ 1 प्लस। नाउ नेक्स्ट टर्म में, लास्ट टर्म में बी इज़ ए कॉन्स्टेंट टर्म एंड वाई स्क्वायर डेरीवेटिव 2y dy by dx। सिंपल जो डेरीवेटिव हम सीखते आए हैं बस वही हमने अप्लाई किए, एंड दिस इज नथिंग बट इम्प्लिसिट टाइप। नाउ अरेंजिंग इट वी गेट, इसको सिस्टमेटिक अगर हम अरेंज कर ले तो हमें मिलेगा 2x प्लस 2hx dy डी वाई बाई डी एक्स, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, प्लस 2hy प्लस 2by dy by dx equals to 0। नाउ इन ईच टर्म हमें 2 दिखाई दे रहा होगा, तो हम डिवाइडिंग बाय 2 अगर हम करें तो ये 2 निकल जाएगा, और जो विदाउट dy by dx की टर्म है उसे हम उस साइड सेंड कर देंगे। एक ही स्टेप में दो काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो रिमेनिंग टर्म है यहाँ पे hx dy by dx प्लस 2 तो चला गया by dy by dx इज इक्वल्स टू, ये दोनों टर्म को अगर हम उस साइड सेंड करें विदाउट टू, क्योंकि टू से हमने डिवाइड कर चुके हैं, तो हमें ये वाली इक्वेशन मिलेगी। ओके, देन वी गेट राइट हियर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ हो गया ये एच एक्स प्लस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन ए एक्स प्लस एच एक्स। ओके, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर टू। क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमें प्रूफ करना है इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ ये पॉसिबल नहीं होगा। तो कुछ एडजस्टमेंट हम यहाँ करते हैं, तो एडजस्टमेंट के लिए आपके पास ऑलरेडी इक्वेशन नंबर वन है। तो इक्वेशन वन, नाउ इक्वेशन वन इम्प्लाइज ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो इज़ अवर इक्वेशन नंबर वन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ एडजस्टमेंट करते हैं हम यहाँ। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ये टू एच एक्स वाई को हम लिख सकते हैं एच एक्स वाई प्लस एच एक्स वाई, है ना, स्प्लिट अप कर दिए दो फॉर्म में, दो टर्म में, और ये है क्या हमारी रिमेनिंग टर्म। नाउ ये दो टर्म में से हमें कॉमन निकालना है, तो यहाँ x कॉमन निकलेगा, तो रिमेनिंग टर्म इज एच एक्स प्लस ए एक्स प्लस एच वाई प्लस ये दोनों टर्म में से y कॉमन निकल गया, तो रिमेनिंग रहेगा एच एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। नाउ न्यूमरेटर में ये वाली टर्म है माइनस ax की, तो ये टर्म्स को हम उस साइड सेंड कर दें, देन रिमेनिंग टर्म इज y एच एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स ए एक्स प्लस एच वाई। अब ये फॉर्मेट लाना है तो ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, तो देन y बाई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। नाउ ये इक्वेशन नंबर टू की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर थ्री होना चाहिए था, ये थ्री की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर वन में पुट अप करेंगे, देन इक्वेशन टू बिकम्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू
दिस माइनस ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई को रिप्लेस करेंगे इस पूरी टर्म को हम वाई बाय एक्स से, ये वैल्यू पुट अप कर दिए. नाउ हमें डी डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर चाहिए. देन अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हेयर यू बाई वी का रूल अगर हम अप्लाई करें तो मिलेगा हमें एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन अपॉन एक्स स्क्वायर. नाउ डी वाई बाई डी एक्स ऑलरेडी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर टू में थ्री में, तो वहाँ हम वैल्यू पुट अप कर देंगे. तो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म थी आपकी वाई बाय एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस एक्स गेट कैंसल, वाई माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो एंड वोल टर्म बिकम जीरो, हैंस प्रूव्ड. ये हमें प्रूव करना था. ओके ऐसे ही एक सिंपल सा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इनवर्स के लिए. इफ वाई इज इक्वल्स टू कॉस इंटू एम कॉस इनवर्स एक्स, ये आपको गिवन एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल को हमें शो करना है कि वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, वन सेक, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है, तो अब प्रूफ के लिए तो वही स्टेप रहेगी जो सिंपली हम डेरिवेटिव के लिए रहते हैं, लेकिन जो टर्म में हमें जो प्रूफ करना होता है तो उसे देखते हुए हमें सॉल्व करना है. तो यहाँ कॉस की टर्म नहीं है ना ही साइन की टर्म है, मीन्स यहाँ हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे. देन गिवन y इज इक्वल्स टू कॉस m कॉस इनवर्स x, देन दिस कॉस को अगर हम इस साइड सेंड करें देन इट बिकम कॉस y इज इक्वल्स टू एम कॉस इनवर्स एक्स. ठीक है, सिर्फ हमने ये कॉस की टर्म को इधर भेजे हैं तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स वाई एंड दिस एम कॉस इनवर्स एक्स. नाउ हियर डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन कॉस इनवर्स वाई की डेरिवेटिव आ जाएगी माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू एम कॉन्स्टेंट कॉस इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव आ जाएगी यहाँ माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. ओके सिंपल डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाले हमने, बोथ साइड दिस माइनस साइन गेट कैंसल और यहाँ हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, देन रिमेनिंग टर्म वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू एम इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, छोटा सा हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट किए हैं बट हमें अभी भी प्रूफ की तरफ नहीं गया है, प्रूफ में है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट मीन्स हमें फिर से डिफरेंशिएट करना है इसे, लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले ये रूट को हमें हटाना है, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर और ये यहाँ पर रूट रह गया है हमारा, यहाँ तो हट ही जाएगा क्योंकि स्क्वायर कर लिए तो रूट कैंसिल. नाउ अब हमें अगेन डिफरेंशिएट करना है क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन हियर दिस फंक्शन इज यू एंड यू वी, फर्स्ट सेकंड फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे हम और ये जो स्टेप में हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं इस जैसे हर प्रॉब्लम में हम यही स्टेप फॉलो करेंगे. यहाँ तक सिर्फ एडजस्टमेंट था, रूट नहीं है अगर प्रूफ में तो रूट को हटा दी हमने, टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड देन अगेन डिफरेंशिएटेड देन फर्स्ट फंक्शन कॉन्स्टेंट वन माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, दिस टर्म इज एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन कंपोजिट फंक्शन, देन टू डी वाई बाय डी एक्स इज इन टू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर. कैसे आया एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन अगर हम अप्लाई करते हैं, एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन की अगर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो होता है एन एफ ऑफ एक्स इन टू एफ डैश ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ, बस ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिए. प्लस नाउ सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म तो ये आ जाएगा माइनस टू एक्स इक्वल्स टू एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट
एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स. ओके नाउ इन दिस इसको अगर हम अरेंज करते हैं तो हमें मिलेगा 2 डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो टर्म है जो प्रूफ में हमें था उसे हमने एक तरफ ले लिए हैं, ये 2x स्क्वायर माइनस ये प्लस और ये माइनस जो है ये हो जाएगा 2x डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस माइनस एम स्क्वायर और ये 2y डी वाई बाई डी एक्स. ना बोथ साइड हमें एक टर्म जो है वो कॉमन दिखाई दे रही है, वो कौन सी टर्म है? यस हमें ये 2 डी वाई बाई डी एक्स हियर दिस 2 एंड 1 डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस 2 एंड डी वाई बाई डी एक्स मीन्स डिवाइडिंग बाय 2 डी वाई बाई डी एक्स वी गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर देन माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर वाई. तो एम स्क्वायर वाई को अगर हम इस साइड ले तो ये बचेगा आपके पास डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स देन प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ज़ीरो. ये टर्म हमें यहाँ पे प्रूफ हो गई है, हैंस प्रूफ्ड. ओके ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल एक्सरसाइज में है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं. एक्सरसाइज में से एक एग्जांपल लेते हैं. y इज इक्वल्स टू e टू द पावर m tan इनवर्स x, ये एग्जांपल है. 1.5 क्वेश्चन नंबर, आई थिंक क्वेश्चन नंबर ये है थर्ड का सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड एग्जांपल है. ठीक है तो समय प्रूफ करना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एम डी वाई बाय डी एक्स ठीक है इक्वल्स टू ज़ीरो. वीडियो पॉज करके पहले आप खुद ट्राई करें और फिर वीडियो से अपना आंसर चेक करें. ओके होप कि आपने सॉल्व कर लिए होंगे. एंड गिवन y इज इक्वल्स टू ई एम टेन इनवर्स एक्स. नॉट डिफरेंट. अब यहाँ हमें अगर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे एग्जांपल में e कहीं पर भी नहीं है, तो हमें e नहीं चाहिए तो हमें log लेना होगा. देन टेकिंग log, देखिए स्टार्टिंग से जो अभी तक हम डेरिवेटिव सीखते आए हैं उसी की हम यूज़ कर रहे हैं. इससे पहले के प्रॉब्लम में इम्प्लिसिट सॉल्व किए थे, यहाँ log टर्म यूज़ कर रहे हैं. देन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, देन log y, log e टू द पावर m tan इनवर्स x. नाउ ये log का रूल अगर हम अप्लाई करें देन वी गेट m tan इनवर्स x एंड दिस log y. नाउ हियर अब कुछ हो नहीं सकता है आगे, तो अब डिफरेंशिएट ही करना है हमें. डिफरेंशिएटिंग x, log y की डेरिवेटिव है 1 अपॉन y डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू m कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x. नाउ हियर dy by dx as it is equals to इसके इस मल्टीपल में आ जाएगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये m इंटू वाई. नाउ अगेन डिफरेंशिएट क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए. विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट फर्स्ट फंक्शन कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म मीन्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डायरेक्टली प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स 2x इक्वल्स टू m इंटू डी वाई बाई डी एक्स. ओके तो हमें फर्स्ट टर्म तो मिल गई है, इसको एज इट इज रहने देते हैं. एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स दिस माइनस m डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो. यहाँ से अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लें हम तो
तो हमें हमारा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा 2x² दिस प्लस 2x माइनस m अंदर और dy/dx कॉमन इक्वल्स टू ज़ीरो। वी हैव टू प्रूव दिस फॉर्म। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है एक्सरसाइज में, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे अपना ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीक से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपना।